लगातार कस्टमर आए हैं आज, इतने इतने मतलब पहली बार ऐसी चीज एक्सपीरियंस की मैंने। मुझे एक दो चल रहा है यहाँ पर डांस। हे गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, आज है 11 अक्टूबर और मेरा बर्थडे है। रात को मुझे सरप्राइज मिला था इस केक का, जो कि मैंने कट किया था रात को ही, बर्थडे बन गया था मेरा। तो रात को तो केक खाया नहीं था, अभी मैं केक खाने ही बैठा हूँ और इतना भी केक हो गया रात से अभी तक, और अब मैं खाऊँगा। और आप लोग काफ़ी ढेर सारी विशेज दे रहे हो मुझे इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब में, कमेंट सेक्शन भी भर दिए, उसके लिए सबका सबका जिसने मुझे करा है विश, सबका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का। मतलब लाइफ में पहली बार ही हो रहा है, ये कहना सही रहेगा कि लाइफ में पहली बार मुझे इतने सारे विशेज मिल रहे हैं, वरना ज़्यादा मेरे घर वाले और जो रिश्तेदार हो गए या फ्रेंड्स, ये लोग ही विश करते थे, लेकिन अब की बार इतने सारे लोग विश कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब नसीब वाले ही होते हैं जिन्हें इतने लोग विश करते हैं, तो आपका थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना विश किया। तो अभी काटता हूँ मैं ये केक एक और बार खाने के लिए। वैसे किन्ने खा लिए इतना सारा? हैप्पी बर्थडे टू यू। तू नहीं खाया ना, सही बताना। मैंने नहीं खाया, अनायसा ने खाया, नेहा ने खाया। अबे यार, केक भी तो इतना मस्त है ये गाइस, बहुत ही मतलब पूरा चॉकलेट है, पूरा नहीं ब्राउनी, ब्राउनी इसमें ऐसा लग रहा है, मेरा मन पसंद बहुत ब्राउनी। मम्मी आज अमिताभ बच्चन का भी है ना, और उसका भी तो है, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या का भी आज ही है, और आज मेरा भी, अजय भैया का भी आज। गाइस खा लो आप भी केक, आगे चल के ना। तो गाइस खा लिया है केक, और जैसे कि हमने सोचा था कि हम 11 तारीख को अपनी शॉप क्लोज करके मेला घूमने जाएंगे, पूरा परिवार, चाची वीची सब सब जाएंगे, बट फिर वो सोच को बदला मैंने। मैंने सोचा अपना काम ही कंटिन्यू करेंगे, जब काम अच्छा चल रहा है तो काम पर फोकस करेंगे, मेला कभी और घूम लेंगे, नेक्स्ट ईयर घूम लेंगे, या मौका मिला बाद में तो बाद में घूम लेंगे, बट अभी नहीं, अभी तो हम अपनी दुकान ओपन ही रखेंगे आज भी। तो अभी वही तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सारे आलू छील के मैश कर लिए हैं, बाकी और भी चीज़ तैयार कर ही रहे हैं हम अपनी दुकान की। तो हाँ, और आज बर्थडे भी है मेरा, इससे पहले मेरे बर्थडे गए गाइस, मतलब ये था कि मैं फ्री था, मतलब मेरे पे काम नहीं था ऐसा कुछ, मैं काम नहीं कर रहा था, यूट्यूब तो कर ही रहा था मैं जब भी, बट हाँ ये बर्थडे स्पेशल इसलिए मेरे लिए क्योंकि मेरे पास एक मेरा काम है, मेरी खुद की कार्ट है जिसे मैं चला रहा हूँ। तो हाँ, इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि हाँ भाई मैं भी कुछ अर्निंग कर रहा हूँ जो मेरी फैमिली को हेल्प कर रही है। भाई चावल बने हैं, खा लेता हूँ खाना। खाना खा लिया था और अब बैठ गया हूँ मम्मी के साथ समोसे बनवाने में, जैसे कि मैंने तो सीख ही लिया अब समोसे बनवाने काफ़ी पहले, अब तो हम बड़े ही समोसे बनाते हैं चाट के लिए। चलो और प्रोसेस देखते हैं, पहले ये लिया हाथ में, पानी लगाया ऊपर, पानी पिला के नीचे से मोड़ा, हमारा आटा सर्विस का, इसमें मसाला, देखो गाइस ऐसे करते हैं तो इतना सारा मसाला ठूस रहा है, सही है। गाइस लोग बोलेंगे कि जंबो समोसा बेच रहे हो क्या। तो इसमें मसाला डालने के बाद फिर पानी लगाना ऊपर, पीछे से ऐसे थोड़ा ऐसे मोड़ना है नीचे की तरफ, और फिर इसे ऊपर से ऐसे करके ऐसे करना, और फिर मोड़ना ऐसे, कुछ यूं बन गया अपना समोसा। हाँ, कहाँ से आई नन्नु, सुबह से कहाँ थी? खंजक ओबायो, ये क्या है? सब इसका ही है, तुम्हारे साथ ही गई थी? अरे वाह, थैंक यू, क्या क्या लाई? ये भी मिला, पैसे के पैसे भी है, दिखाओ पैसे के, दिखाओ कितने पैसे। वाह गाइस, तो
मुझे बोल रही है हैप्पी बर्थडे मैंने हाँ और नहीं मेरा दीदी का तो नहीं आप हो ना मेरा तो छोड़ दिखा रही नंबर मुझे मैं आप हमारी हैप्पी बर्थडे गाइस सुबह चाची ने मुझे कॉल लगाने की वजह मम्मी को पहले कॉल लगा के तो कह रही मम्मी से हैप्पी बर्थडे फिर मम्मी ने बताया कि मेरा नंबर है फिर उसके बाद मेरे नंबर नहीं मैंने बोला कि मेरा बर्थडे नहीं है आचे का बर्थडे मुझे भी दो यार कुछ ये क्या है नेहा ओ बेटे देखो गाइस ये सब मिला इसे टिफिन से लेके खाने की चीजों से लेके पैसे फ्रूटी वगैरह सब कुछ मिला इसे बहुत सारी चीज हाँ किट किट रखने नन्नू इसमें से मैं कुछ ले सकता हूँ ले सकता कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे इसमें से एक भी चीज नहीं ले सकता मैं अरे वाह कलर भी मिले इसे किट कैट ले लो नन्नू वो सब ले लो भाई जो जिसे एक एक चीज चाहिए नन्नू सबको दे रही है नन्नू मैं पैसे ले रहा हूँ मेरा बर्थडे है ना गिफ्ट भी नहीं दे रही ना तो तू तो नु कह रही थी मैं गिफ्ट दूंगी ये कह रही थी मैं गिफ्ट दूंगी पैसे ला के सारे एक जिम जैम बिस्किट ये दे रही है कौन सा दे रही है हो गया था मैं और अभी सारा सामान नीचे कार्ट में रख दिया है बस पानी रह गया था तो पानी लेना है और इसका ढक्कन भी मिल गया आज तो अब चलते हैं बस पानी लेके और पहुंचते अपने मेले की ओर आज शायद सेकंड डे है मतलब लास्ट सेकंड डे कल लास्ट डे तो गाइस रख दिया है सारा सामान कार्ट में पानी भी रख दिया लाके अब चलते हैं हाँ पता है अब चलते हैं अपने मेले के यहाँ पहुँचते हैं पहुँच गए होने वाले नहीं आए अभी तक आज वो तो हमसे पहले ही आते हैं गाइस पहुँच गए हैं अब शुरू करते हैं सेटअप लगाना तो फाइनली गाइस सेटअप हुआ अपना कंप्लीट सब कुछ लगा दिया और यहाँ पाव रह गए हैं अभी पाव लगा देता हूँ बाकी डब्बे वगैरह सब लगा दिए मैंने और मम्मी ने यहाँ पर समोसे भी फ्राई करने शुरू कर दिए हैं अब पाव भी लगा दिए हैं और आज पूरे 5 पाव एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ मैं क्योंकि आज सेकंड लास्ट डे है यानी कि कल का लास्ट दिन रहेगा मेले में तो आज इसलिए मैं ज़्यादा लेकर आया हूँ आज ज़्यादा भीड़ रहेगी और अभी मैं जाता हूँ मार्केट और लेकर आता हूँ मूली खीरा और दही लेकर आ गया हूँ मूली एक खीरा और दही लाइट लगा देता हूँ चार वड़ा पाव तो दोनों से ये क्या सौदा है लाल वाली हाँ लाल वाली क्या सौदा है ये मंचूरियन क्या लेना है आपको वड़ा पाव लेना है लो भैया Hello.
बना बना के रखूंगी। तो गाइस मम्मी वो जा रही है घर और पापा आ गए हैं। भीड़ हो गई दुकान पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसन पूरा ख़त्म हो गया। अभी बेसन लेके जा रहा हूँ मैं, शूट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, फटाफट पहुँचता हूँ। अभी मैं बैटर बनाना है बेसन का। सब कुछ ख़त्म हो गया है, लगभग दो तीन समोसे ही बचे हैं, बड़े तो पूरे ख़त्म हो गए हैं, उल्टा एक पैकेट हमारा बच गया, बड़े कम पड़ गए, बाकी सारी चीज़ सब चली गई, सारी चीज़ें टू जैड। इतने लगातार कस्टमर आए हैं गाइस और वक्त से पहले सब कुछ आज जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि आज सेकेंड लास्ट डे है, कल तो लास्ट डे है, कल दशहरा रहेगा तो कल तो इससे डबल भीड़ बता रहे हैं, तो कल और ज़्यादा हम सामान प्रिपेयर करके लाएंगे। पर आज अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी, बिल्कुल सोचा नहीं था ये होगा। और अब हम दुकान बढ़ाएंगे क्योंकि अब सब चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई हैं, तो अब चलते हैं घर। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ इस साइड में, मज़ा आ गया। अब भी भीड़ आई पड़ी है लेकिन है नहीं कुछ। तो गाइज अब हम रेडी है घर जाने के लिए, सारा सामान पैक करके रख दिया है कार्ट में, तो चलते हैं अब, आज जल्दी जा रहे हैं, पूरे 7-8 दिन बाद हम इस टाइम पे घर जा रहे हैं, वरना रात ही हो रही थी ज़्यादा। चलो पहुंच गए, उतारते हैं सारा सामान, फिर कार्ट खड़ी करके आएंगे, फिर सामान ऊपर पहुँचाएंगे। तो गाइस खड़ी कर दी अपनी कार्ट यहाँ पर, अब चलते हैं घर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड क्या जो थी? तेरे तो सिर में दर्द हो रहा था। अरे नहीं लिया है भाई, उसके तू कैसा, तू तो वहाँ पे ही था दुकान पे। मैं आ रहा भैया, कैसा लगा पहले बताओ। हाँ यही टी शर्ट पे रहता बोलेगा। तो गाइस जस्ट अभी घर में कदम रखा और यहाँ इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया, विश्वास नहीं हो रहा बिल्कुल। थोड़े से मुझे लग ही रहा था जब दुकान पे था मैं, जब पापा भी कह रहे मेरी तबीयत खराब हो रही है और नन्नू के भी फोन, मजाक नहीं कर रहा हूं। पर मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कि तुम जल्दी घर ले जाना चाह रहे हो मुझे। और इतने सारे लोग, सबका थैंक यू सो मच। अच्छा है। और गाइस सबसे बेस्ट चीज जो कि है ये केक हमारा यूट्यूब का, ये सब ये आपके लिए, आप सभी के लिए इतना बेहतरीन गिफ्ट। सबसे बढ़िया लग रहा है केक और सजावट भी बहुत ही अच्छी कर रखी है, थैंक यू सबका। गाइस अभी मुंह हाथ धोके चाची ने गिफ्ट दे दिया मुझे, मैंने मुंह हाथ धोया और यही पहनने की जिद कर रहा हूँ। मैं ये नहीं पहन रहा हूँ, कभी बाहर जाने टाइम पहनूंगा, इतनी बढ़िया है। अभी अपना बर्थडे पे तो नए कपड़े हैं, ये मेरे पे ये रखे हैं, ये पहन लेता हूँ फटाफट।
तो गाइज हो गया हूँ मैं तैयार, अब कट करते हैं फटाफट केक। सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी को घर जाना है अपने। कब से? 5 बजे। केक मुझे काटने में मन नहीं कर रहा है, इतना बढ़िया केक है यूट्यूब का। कभी सोचा नहीं था ऐसा भी केक काटूंगा मैं अपनी लाइफ में। किसका आइडिया था यूट्यूब का केक का? चलो बढ़िया केक है। बटन कोई नहीं खाएगा, दीवार पे लगेगा वो। हाँ, ये खाने को कह रही। रुक जा अभी। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया आज, काम भी दुकान पे बहुत जल्दी हुआ और घर पे आके देखा तो इतना बढ़िया सरप्राइज तैयार कर रखा था नन्नू। गाइस नन्नू की तबीयत खराब हो रही थी तो मुझे लगा इसने फोन पे बात करी कि मेरा सिर दुख रहा है, तो मुझे लगा मजाक ही कर रही, बट इसकी रियल में तबीयत खराब थी, पर सही हो गई थी और मुझे जल्दी बुलाने के तौर पे किया, पर जब तक हमारा काम भी पूरा हो गया था। भाई आप खाना खाऊंगा। गिफ्ट क्या दिया नन्नू तुझे? मुझे लिफाफा। कहाँ गया? अभी चल रहा है यहाँ पे फोटोशूट, बर्थडे मेरा है लेकिन फोटोशूट किसी और का ही चल रहा है यहाँ पर। चल रहा है यहाँ पर डांस। ले आदि आ गए तेरे पापा, ले ये मम्मी पापा को दे देना, ठीक है बाय। चल मैं फिर से एक बार और शुक्रिया, धन्यवाद सबका, बहुत ही मजा आ गया इस सरप्राइज में। दुकान पे भी आज काम जल्दी हुआ और घर पे भी आके मजा आ गया सरप्राइज में, और क्या बढ़िया ही बैकग्राउंड बना रखा है। तो गाइज अभी आदि को उसके पापा के पास छोड़ दिया, अनायशा की जो भी फ्रेंड्स आई हुई थी उन्हें भी उसके घर तक पहुँचा दिया क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा था और मजा आ गया। अब चाहता हूँ घर पे खाना भी बढ़िया बनाए, खाना बैठ के खाऊंगा। मस्त बना सब, चाप पनीर पुलाव, मजा आ गया गाइस। सरप्राइज रात को भी मिला, सुबह भी केक बिल्कुल ऐसे ही। अरे यार केक तो एकदम बवाल केक था, मस्त एकदम। चलते हैं अब, कुंडी लगा देना। तो गाइज अभी बैठ गया हूँ खाना खाने, और आज खाना भी क्या ही बढ़िया बना है यहाँ पर, पनीर की सब्जी, चाप और वेज पुलाव। और ये कौन सी रोटी है? ये तो मलाई तंदूरी रोटी है। वाह। तो गाइज खाना खा लिया है और इसी के साथ मेरा बर्थडे का डे ख़त्म हो चुका है, अगला दिन लग गया है और वक्त हो गया है इस ब्लॉग को एंड करने का। तो करता हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड। आई होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आओगे, तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, जब तक क्लिक करवाएं।